व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है डीप वाटर होराइजन। कहानी शुरू होती है समुंदर की गहराइयों में, जहां पर हम एक रोबोट को देखते हैं जो ऑयल रिग के नीचे लगी मशीनों को चेक कर रही है, कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तभी हमें कुछ दिक्कत दिखाई देती है, लेकिन उसका ऑपरेटर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे ऊपर ले आता है। अब इसका अंजाम क्या होगा, ये हमें आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है विलियम पर, जो कि उसी डीप वाटर होराइजन ऑयल रिग में जॉब करता है। उसे अब 21 दिन वहां रहना है, क्योंकि यही उसका काम है। इसके बाद हम एड्रियाना को देखते हैं, वो भी वही काम करती है। अब सभी लोग चॉपर से साइट के लिए रवाना होते हैं, और इनमें जिमी हेराल नाम का भी एक शख्स होता है, जिसके ऊपर वहाँ काम कर रहे सारे वर्कर की जिम्मेदारी होती है। इसलिए वो खुद को थोड़ा ज्यादा बिजी रखता है, ताकि दूसरों की जान की कोई मुसीबत ना आए। कुछ देर के बाद वो लोग उसी साइट पर पहुंचते हैं जो कि समुन्द्र के बीच में, और यहाँ से दुनिया का 40% क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इसीलिए इसे शहर से मीलों दूर बनाया गया है, क्योंकि इसमें खतरा भी उतना ही है। वहाँ पहुँचने के कुछ देर बाद जिमी को पता चलता है कि मेंटेनेंस टीम अब घर जा रही है, लेकिन उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, और इसीलिए वो उन पर गुस्सा करता है। इसके बाद वो और माइक साइट की बहुत चीजों की टेस्टिंग करते हैं, और उसमें उन्हें फायर अलार्म, टेलीफोन लाइन, बहुत सी चीजें खराब मिलती है। इसलिए वो फौरन एक मीटिंग बुलाते हैं और सभी को इस बारे में बताते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव उन्हें बताता है कि हम लोग पहले ही डेडलाइन से 45 दिन पीछे चल रहे हैं, इसलिए हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन तभी माइक उन्हें बताता है कि पूरी ऑयल रिग पे 309 तरह की मशीन खराब हो चुकी है, जिसे खतरा भी हो सकता है और इसमें हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए जिमी कहता है कि हमें एक नेगेटिव टेस्ट करना होगा, जिससे यह पता चल सके कि आखिर कौन कौन सी मेन चीजों में दिक्कत है, जिसे हम फौरन उसे ठीक कर सकें। पर उसके जाने के बाद माइक के पास एक आदमी आता है, जो उसे कहता है कि हम लोग ये टेस्ट करके अपना टाइम खराब कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम अपना काम पे फोकस करें। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन कम से कम हमें ये तो टेस्ट करना ही होगा कि मेन पाइपलाइन ठीक है या फिर उसे भी आप लोगों ने चेक नहीं किया। अब रिग की सारी मशीन को ऑफ कर दिया जाता है, और फिर एक पाइप को नीचे डाला जाता है, प्रेशर को बढ़ाया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि कहीं कोई होल या फिर कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। लेकिन प्रेशर 1000 के पार हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ हम पानी में कुछ अजीब सी गतिविधियों को महसूस करते हैं, जो किसी खतरे की ओर संकेत कर रही थी। लेकिन ऊपर वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो लोग सारी चीजों को ऊपर खींच लेते हैं। यहाँ जिमी पे कुछ लोग चिल्लाते भी हैं कि तुमने बस हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। यहाँ हमें एक चीज गौर करनी चाहिए कि पाइप ऊपर खींचने के बावजूद प्रेशर कम नहीं हो रहा था, पर मिस्टर वेंड्रेन अभी भी कॉन्फिडेंट थे, उनकी मशीन में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए वो वहां से चले जाते हैं, और विलियम और जिमी भी अपने रूम में आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद अब मशीन का प्रेशर कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था, जो किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था, जिस बारे में सब अनजान है। उधर माइक अपनी वाइफ से बात कर रहा था, और थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो सोने चला जाता। दूसरी तरफ रिग पे सारी मशीन को फिर से ऑन किया जाता है और ड्रिलिंग शुरू की जाती है। लेकिन यहाँ अब दिक्कतें कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। प्रेशर की लाइन अब अपनी लिमिट से बाहर हो चुकी थी, इसलिए सभी वर्कर फौरन मेन लाइन के पास आते हैं और देखते हैं कि मड ओवरफ्लो हो रहा है, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। तभी एक धमाका होता है, जिसमें सारा मड बाहर आ जाता है, और तभी इमरजेंसी चीजें अपना काम करना शुरू कर देती हैं, जैसे तैसे करके इस फ्लो को वो बंद कर देती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि अभी तक किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चला था, और ना ही किसी तरह का कोई अलार्म बजा था, क्योंकि जैसे कि माइक ने बताया था कि बहुत सी मशीनें खराब हो चुकी हैं, इसलिए वो इस समय काम नहीं कर रही हैं। लेकिन यहाँ भी खतरा टला नहीं था। अब प्रेशर 4000 के पार पहुंच जाता है, और इस बार इतनी तेज धमाका होता है कि वो आसमान तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम मिस्टर विंड्रन को देखते हैं, जो एक वर्कर के साथ साइट पे घूम रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। अब यहाँ उनके साथ वाले वर्कर को क्रूड ऑयल ऊपर आते हुए दिखता है, वहाँ लीकेज हो रही थी, और ये बात वो अपने सीनियर को बताता है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेते, एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और ये वाला अभी तक का सबसे बड़ा था, जिसमें कई लोग घायल भी हो जाते हैं और पूरी साइट बर्बाद होने लगती है। फाइनली गैस अलार्म बच जाता है, और इसकी खबर माइक को भी लग जाती, क्योंकि सभी के रूम की लाइट सब ब्लिंक करना शुरू हो गई थी। मिस्टर विंडरसन जैसे तैसे खुद को सॉइल प्रेशर से अलग करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने पहली माइक की बात सुन ली होती तो शायद आज ये नहीं होता। अब इन्हें कैसे भी करके इसे ठीक करना होगा, वरना ये इस चीज को ना भूलें कि ये क्रूड ऑयल के ऊपर खड़े हैं। अगर जरा सी भी चिंगारी लगी तो पूरा समुंदर जलना शुरू हो जाएगा। उधर एड्रियान उस ओशियन कोस्ट गार्ड को मैसेज देना शुरू करती है कि हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में है, लेकिन उसका सीनियर उसे ऐसे करने से रोकता है, क्योंकि उसका मानना था कि हालत इतनी नहीं बिगड़े हैं, वो लोग सब कुछ ठीक कर लेंगे। और तभी जो मशीन चल रही थी उसके अंदर ऑयल घुस जाता है, वो स्पार्क करने लगती है, जिसकी वजह से साइड का आधे हिस्से में आग लग जाती है। एक धमाका होता है जो आसमानों को छू रहा था,
और अब वो शिप का कैप्टन भी समझ गया था, इसलिए वो भी मैसेज देना शुरू करता है। साइट में जितनी भी ड्रिलिंग मशीन थी वो एक एक करके नीचे गिरना शुरू हो जाती है, जिसमें कई सारे वर्कर जख्मी हो जाते हैं। दूसरी ओर कोस्ट गार्ड के पास मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, वो लोग तुरंत रेस्क्यू करते हैं, जितने भी लोग यहाँ थे सभी को हेलीकॉप्टर लेकर भेजते हैं। इधर माइक की वाइफ को पता चल गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि माइक ने जब कॉल काटी थी तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। यहाँ पे माइक की जब आंख खुलती है तो वो एक दरवाजे के नीचे जख्मी हालत में पड़ा था। उसे कुछ देर तक समझ नहीं आता कि असल में हुआ क्या है। कुछ ही दूरी पर उसे एक वर्कर दिखाई देता है, जिसे वो फौरन उठाता है और उसे किसी सेफ जगह पर ले जाता है। वहां हम जिमी को देखते हैं जो धमाके के समय नहा रहा था, लेकिन अब उनकी हालत ठीक नहीं है क्योंकि उनके पूरे शरीर पे कांच के टुकड़े घुस गए और एक रॉड उनके पैर में घुस जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उसे बाहर निकालते हैं और फिर अपने कपड़े पहनते हैं। उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी है क्योंकि उनके ऊपर 126 लोगों की जान की ड्यूटी है, उन्हें सभी को बचाना है। शिप के कैप्टन फौरन अपने कुछ लोगों को लाइफ बोट के साइड पर करीब ले जाने लगते हैं ताकि वो कुछ लोगों को बचा सके, लेकिन ऑपरेटर रूम में लोग अब पैनिक होना शुरू हो गए थे क्योंकि सभी मशीन अब खराब होने लगी है। कुछ ही देर में सभी एक्सप्लोड हो जाएंगे, जिसके बाद क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। यहाँ माइक अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग जाकर लाइफ बोट के पास बैठ जाओ, मैं जिमी को ढूंढने जा रहा हूँ। उसे काफी ढूंढने के बाद जिमी एक जगह जख्मी हालत में मिलता है तो वो उसे उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन वो माइक से कहता है कि मुझे ऑपरेटर रूम में ले चलो, हमें सबसे पहले मेन पाइप लाइन को सील करना होगा और ड्रिल को बंद करना होगा, वरना कुछ ही देर बाद पूरी साइट खत्म हो जाएगी। लेकिन वहाँ ऑपरेटर रूम में सिर्फ एड्रियन और उसके साथ ही छोड़कर सभी लाइफ बोट की ओर भागना शुरू कर देते हैं, उन्हें बस खुद की जान की परवाह थी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक वर्कर खुद की आंखों के सामने सारी चीजें तबाह होते हुए देख रहा होता है, तभी उसकी नजर एक क्रेन पर पड़ती है जो किसी भी समय कई लोगों के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन सही समय पर वो उसे दूसरी ओर मोड़ देता है, लेकिन तभी एक रॉड आकर उसके ऊपर लग जाता और वो सीधा नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। उसने खुद की जान परवाह किए बिना और लोगों की जान बचा ली। अब यहाँ एक एड्रियन का साथी है जो उसके साथ है, वो उसे कुछ करने नहीं दे रहा है क्योंकि उसके मुताबिक ये रूल के खिलाफ है। दूसरी तरफ माइक और जिमी कई लोगों के पास पहुंचते हैं और उसमें से तो कुछ बहुत ही जख्मी होते हैं, वो उन्हें बचाकर ऑपरेटर रूम तक ले जाते हैं, जिसके बाद जिमी ऑर्डर देता है कि मेन पाइप को काट कर मशीन को सील कर दो, लेकिन एड्रियन का साथी ऐसे करने से मना करता है, पर जिमी नहीं मानता और ऐसा कर देता है। पर तेज बहाव की वजह से पाइप कटती नहीं बल्कि वो और टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से अब क्रूड ऑयल पूरे समुंदर में फैलना शुरू हो जाता है। वहाँ एक तरफ कोस्ट गार्ड वाले फौरन अपने हेलीकॉप्टर लेकर अब इनकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। ऑपरेटर रूम में जिमी एक बार और कोशिश करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर लेकिन पाइप काटने के लिए लाइन नहीं थी। वो कहता है कि हमारे पास एक जनरेटर है, पर एड्रियन उसे बताती है कि वो तो दूसरे केबिन में रखा हुआ है, जहाँ तक पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वह मेक्सिको में माइक की वाइफ को बड़ी ही देर बाद लेकिन इस बारे में जानकारी मिलती है कि माइक खतरे में और उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ माइक अभी भी खतरों से खेल रहा है। वो आग के बीच से होते हुए दूसरी ओर जाता है, लेकिन इतने फ्लेम के बीच से गुजर पाना मौत को गले लगाने के बराबर था। उनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो आखिरकार पहुंच जाता है और उस स्टैंड बाई जनरेटर को ऑन करता है, जिससे कि पावर वापस आ जाती है और एक बार फिर से जिमी मेन पाइप सील करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से पावर चली जाती है। अब माइक और इसके साथ ही एक बार और ट्राई करते हैं, वो जनरेटर को ऑन करते हैं, लेकिन उनके बाहर निकलते ही वहां पे एक धमाका होता है जिससे पूरा जनरेटर तबाह हो जाता है और अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अब इनके पास यहाँ से भागने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वहां मेन एग्जिट पर हम देखते हैं कि कई सारे लोग लाइफ बोट पर तेजी से बैठकर शिप की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये सभी भी उसी तरह बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जब तक ये लोग वहां पहुंच पाते सारी बोट जा चुकी थी, इसलिए फौरन अब जो ऑयल रिग पर लाइफ बोट थी उसे नीचे उतारते हैं और फिर एक एक करके सभी उस पर बैठने लगते हैं। लेकिन जब बारी माइक और एड्रियना की आती है तो उसकी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ अब माइक और एड्रियना क्या करें उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी माइक उससे कहता है कि हमें अब पानी में कूदना होगा। वो तैयार होने लगते हैं, लेकिन आखिरी समय पर वो रुक जाता है और कहता है कि इतने कम ऊंचाई से कूदना सही नहीं होगा क्योंकि नीचे पानी में कई सारे लोहे के टुकड़े हो सकते जो हमारे शरीर में घुस सकते हैं, इसलिए हमें और ऊपर चलना चाहिए। दोनों एक बार फिर से रिग के अंदर जाते हैं और जैसे तैसे करके हेलीकॉप्टर पैड तक पहुंच जाते हैं और फिर जंप लगाने के लिए तैयार होते हैं, पर एड्रियना घबराने लगती है और कहती है कि वो ये नहीं कर सकती क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है और ना ही उसे स्विम करना आता। तो माइक कहता है कि कोई बात नहीं, हमने लाइफ जैकेट पहनी हुई है इसलिए सोचो मत, बस कूद जाओ, लेकिन वो नहीं कर पाती और उल्टा माइक पर ही चिल्लाने लगती है। तब वो उसे समझाता है कि देखो कुछ ही सेकंड में हमारे ऊपर क्रेन गिरने वाले हैं, अगर हम नीचे नहीं कूदे तो दोनों मारे जाएंगे। पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी तो माइक को मजबूरन उसे धक्का देना पड़ता है, जिसके बाद वो खुद भी कूद गया था। लेकिन कूदने के बाद उसके सर पे एक रॉड लगती है, पर वो फिर भी चोटिल हालत में ऊपर आता है और डरी हुई एड्रियना को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को शिप पर बैठा लिया जाता है, लेकिन जाते जाते सभी वर्कर उस ऑयल रिग को भस्म हुए देख रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो आग ने जिद ठान ली हो, वो पूरी साइट को बर्बाद करके ही दम लेगी। वेल ज़्यादा लोग बच गए थे, लेकिन आज सैकड़ों की तादाद में पानी में रहने वाले जीव मारे जाएंगे, क्योंकि ये आग इतनी जल्दी बुझने वालों में से नहीं है। इसमें सैकड़ों लीटर ऑयल अभी जलना बाकी है। जब तक उस पाइप को बंद नहीं किया जाएगा, तब तक क्रूड ऑयल बाहर आता रहेगा। अब जितने भी वर्कर थे जिनमें उनकी अटेंडेंस करता है, ताकि उसे पता चल सके कि आखिर कितने लोग ने अपनी जान गंवा दी है। ये जाने के बाद सभी उनके लिए प्रे करते हैं और सभी उदास थे। कुछ ही पल बाद वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। जो लोग ज़्यादा चोटिल थे उन्हें वो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब एक दिन सभी होटल पहुँचते हैं जहाँ पर सभी के घर वालों की आंखें अपनों को ढूंढ रही थी। कुछ तो उनके अपने मिल गए थे, लेकिन कुछ हमेशा के लिए इंतज़ार करते रह जाएंगे। कुछ ने तो माइक को ही इसका गुनहगार माना था, क्योंकि वो भी एक अहम पद पर था। उसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों को बचाना, लेकिन उसकी भी क्या गलती है, उसने तो सबको पहले ही आगाह कर दिया था। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, सबको बस पैसों की फिक्र थी। इस हादसे में 11 लोग मारे गए, जो बचे थे उसमें से कई लोग जख्मी भी हो गए, जिनमें कई ने अपने हाथ, कई ने अपने पैर हमेशा के लिए गंवा दिए। पर यहाँ माइक जब होटल रूम में आता है तो वो खुद को रोने से रोक नहीं पाता, क्योंकि उसे एक पिता की कही हुई बात सच लग रही थी कि उसकी वजह से ही उनके बेटे की जान चली गई। पर तब तक वहाँ पर माइक की वाइफ आ जाती है और उसे संभालती है। सभी के परिवार एक दूसरे को देखकर रो रहे थे। आखिर में हमें माइक और दूसरे साथियों की कुछ असली तस्वीरें भी दिखाई जाती है, क्योंकि ये पूरी कहानी एक असली घटना पर आधारित है। रियल कोर्ट में हियरिंग भी देखने को मिलती है, जिसमें इन सभी को जिम्मेदार वो दो एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है जिन्होंने माइक और जिमी की कही हुई बात नहीं मानी और काम को जारी रखा। वहीं एड्रियाना और माइक ने फिर कभी भी इस काम को दोबारा ज्वाइन नहीं किया। इस डीप वाटर हॉरिजन में तकरीबन $14 बिलियन का नुकसान हुआ और इस आग को पूरे 79 दिनों के बाद बुझाया गया। इतने समय तक ये बस जलती रही। अप्रॉक्स 200 गैलन लीटर क्रूड ऑयल पानी में बह गया, जिसमें न जाने कितने पानी के जीवों की जान चली गई। वेल, इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।